नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। चाय इधर बताओ चाचा, ये जो ये नोटरी है 2017 में बनी थी। पहले चीज आप लोग बताना चाहता हूँ, जब बारे में मैंने बात के सरकार की भावनाओं की बात की है, मुझे बात के मिलकर है भावनाओं की मिलकर नहीं है, पूरी वस्तु की मिलकर है। लोग कहते हैं तुम आप नहीं आकर किसी है ये भावनाओं की मिलकर और निकाल दो, ये जो तालीम है वस्तु की तालीम है, हर किसी का हाथ है उसको वस्तु क्या रही। ये लेटर रटिया लिख के दिए कि वो तो सुनी नहीं है, ये रटिया आया था इसे लिख के दिए कि हम लोग ये जमीन बेचने नहीं, या तो ये अखाड़े को दिए ये जमीन के कागजात है इसको चीट करे वो के लिए लिख के दिए सो ही ये है उन्हें सुनता है ये उसका है ये उनकी अम्मा लिख के दिए रटी की अम्मा लिख के दिए सो क्या लिखा दो इनके पास गए थे वालिद साहब, ये बोले थे पेपर बना के दे दो हमारे, बाबा बोले थे कि नहीं ये अखाड़े का है, अखाड़े के लिए छोड़े छोड़े का है, नहीं दे नहीं बना सकता, सही चाचा से बात करो जाके दोनों चले गए। फिर उसके बाद गया मैं भी गया घर में जाके चाय ला के गया, चाय पिए, ये पुरानी बात है 2003 की बात है, अच्छी बात नहीं सही बात करो बोले बोले इनके वालिद साहब बोले, तो उन्होंने चले गए वापिस जाके, जब उन्होंने आए नहीं उन्होंने बनाए नहीं, फिर बाद में 2017 में डुप्लीकेट पेपर बना के अखाड़ा हम खरीदे बोल के बोल रहे हैं, ये गलत है, जिंदा है अभी जिंदा है, पट्टेदारों का चलो बोलो पट्टेदार जिंदा है, हम ना किसी को नहीं बेचे, हम सिर्फ सईद बान साहब बोले तो हम छोड़ दिए।
मासूम बच्चा पहलवान बन रहा तो उनकी जमीन खाने वालों को सालम पहलवान को मासूमों की जमीन कब्जा करने वालों को सालम पहलवान के बेटे को सालम पहलवान को लैंड ग्रैबर 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 को आवाम की जमीन खाने वालों को आवाम की जमीन खाने वालों को जिसकी जमीन टोटल है 300 गज है 300 स्क्वायर फीट यहाँ पे मौजूद है हर चीज प्रूफ है ये ओरिजिनल लेआउट है देखिए वो फेर गए थे डुप्लीकेट है सेना दोनों लगा आवाज आवाज करो काम करो दोनों सीमित ले चलो फोटो ले गया इसको कंस्ट्रक्शन का भी लाइन से तो लाइन से जमा तो बोले इस पे टेबल पर ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर्स यहाँ पर है और ये बाम फैमिली और जो बस्ती के लोगों का ये कहना है कि जो है सो ये प्लॉट बस्ती के लिए फायदे के लिए है जो बस्ती के लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं और सामने इसके पूरे सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज़ है और वो लोग का यही कहना है कि हम ये बस्ती के लिए लड़ रहे हैं और हम आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं कि इसको CBI इंक्वायरी कराए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बस्ती का अखाड़ा है, ये बाम वालों की मेहनत है और बस्ती वालों का भी ताउन उनके साथ है। हम ये प्लॉट किसी हक में किसी को नहीं लेने देंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक को ही जाना चाहिए और ये इसके ऊपर जो मेहनत करे हैं, जो इसके ऊपर बनाए मरहूम मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं, शेख साले टेलर साहब है, अब्दुल्ला बाकरा, ये पूरे बस्ती के नामवार आदमियाँ हैं जो ये प्लाट
आपका नाम? मेरा नाम हबीब हामिद है। ये प्लाट जो है सैयद बाम साहब और सिद्दीक कुरैशी साहब से बोल के नुमाइंदगी करके रेडियो से ये प्लाट छुड़ाए थे। ये प्लाट छुड़ाने के बाद इसका जो है तामीर के लिए डोनेशन लोगों दिए, जिसमें मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, कुरैशी साहब, परमेशी साहब और लोगों का डोनेशन है, उसमें डोनेशन करके उसमें तामीर करवाए थे। और इसको इसके लिए निगरान कार्य में मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, अब्दुल्ला बाकरा, शेख साले बावजीर इसके निगरान कार थे, जिसमें सालम पहलवान भी थे और निगरानी चलती थी। हम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ी अफसोस की आज एक चलाई कि जनाब सालम पहलवान साहब बारकत जामा मस्जिद में कसम खाने की बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बात की कसम खा रहे हैं। बेनतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के अंदर कसम कोई छोटी बात नहीं। थोड़ी सी मनफत के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए जनाब सालम जजी पहलवान साहब ने अपनी आखिरत को भी ख़राब कर दिया। दूसरी बात ये रही, ये वही सालम जजी पहलवान साहब हैं जो आज बाम फैमिली, फैसल बाम फैमिली साहब के खिलाफ चले। जबकि हालत ये थी कि मैं थोड़ा सा दो मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि सालम जजी पहलवान साहब, क्या आप वो वक्त भूल गए जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के यही सैयद बाम के मर्दाने के बाहर सीढ़ियों पर बैठे रहते थे? क्योंकि मैं आपकी बातों को दोहराना नहीं चाहूँ। अब छोटी सी और एक बात बताता हूँ कि आज जहाँ सालम पहलवान साहब के मकान है, सईद बम साहब उनको सलाला मेन रोड का पिछले हिस्से की ज़मीन दिए थे, लेकिन सालम पहलवान साहब ने सामने रोड पर भी मलियों को कब्जा करा जो सईद बम साहब की बरकत हो। आज अखाड़े के ताल्लुक से जो बड़ी मस्जिद में जो कुछ कसम का प्रोग्राम रखा गया था, वो आ नहीं सके। जो कसम खाने वाले थे वो आ नहीं सके, इसलिए कि ये अखाड़ा, बाम अखाड़ा यानी पूरे बारकस का अखाड़ा है, किसी एक बाम फैमिली का या किसी उसका नहीं है। ये अखाड़ा पूरे बाम बारकस बोल के पूरे हैदराबाद का कहीं का भी आके यहाँ पर कर सकता। ये अखाड़े को खाने की कोशिश करे, ये फोड़दरी करके जो है सो अखाड़े को जो है सो हड़प करने की कोशिश करे, इंशाल्लाह ये बस्ती का है, बस्ती वाले होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और रही बात जो है सो जब ये अखाड़ा जब प्लाटिंग हमारे वालिद साहब कर रहे थे, तो सब जने मिलके बोले बारकस के लोग मुगलपुरे में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही। बोला तो वालिद साहब और उनके पार्टनर सिद्दीक कुरैशी साहब मिलके जो है सो ये अखाड़े को ज़मीन 300 गज दिए हैं, और ये इंशाल्लाह हमारे वालिद जो है सो किसी एक फ़र्ज के लिए नहीं दिए, ये पूरे आवाम के लिए दिए, आवाम का ही रहेंगे इंशाल्लाह। अब जो रही बात बारकस के जो नौजवान बच्चे भी तकरीबन यहाँ पे हर स्टेट में जाके लड़के जो गोल्ड मेडल